वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ कचल की रेसिपी शेयर करूंगी। कचल हम दो तरीकों से बनाते हैं, एक फ्राई करके और दूसरा बॉईल करके, और आप कचल को विद और विदाउट ग्रेवी दोनों तरीकों से बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ फ्राई करके कचल की ड्राई रेसिपी शेयर करूंगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कचल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस चैनल को ऐसे ही बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपीज सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कटहल की बात करेंगे। कटहल जब भी आप मार्केट से खरीदने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस रेसिपी के लिए हमें एकदम कच्चा कटहल चाहिए, पका हुआ नहीं। और इसका डिफरेंस आपको कैसे पता लगेगा? जो पका हुआ कटहल होता है वो बाहर से थोड़ा सा पीला लगेगा आपको देखने में, और जो कच्चा कटहल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होता है और हरा भी। और जब आप कटहल कटवा रहे हैं तो आपको उसे देख के पता लग जाएगा, अगर अंदर से थोड़ा सा पीला है तो मतलब वो पका हुआ है। और इस रेसिपी के लिए आपको एकदम कच्चा कटहल चाहिए। अगर आप पीला पका हुआ कटहल बनाएंगे, एक तो वो थोड़ा सा लेसदार बनेगा और इतना अच्छा खाने में नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मीठा होगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें और कटहल को खरीदते वक्त थोड़ा सा आप टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कटहल बाय करती हूँ मार्केट से तो कई बार उसका जो टेस्ट है वो कड़वा निकलता है। इसका क्या रीज़न है ये नहीं मुझे पता, बट अब मैं हमेशा जब भी कटहल बाय करती हूँ तो हमेशा थोड़ा सा उसका जो पीस है वो ज़रूर टेस्ट करके देखती हूँ कि उसका जो टेस्ट है वो कड़वा ना हो। और जब आप कटहल कटवा के घर पे लाएं, उसे कोई वेट क्लोथ से अच्छे से साफ करके उसे आप तलने से पहले थोड़ा सा सुखा लें, एकदम गीला ना तलें। और उसे आप वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक या ओवरनाइट या एक दो दिन के लिए ऐसे ना रखें। ऐसा करने से कटहल का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, थोड़ा सा काला पड़ने लग जाएगा और उसके टेस्ट में भी डिफरेंस आ सकता है। तो जब भी आप कटहल बाय करें, उसे घर पे लेके आएं, उसे हल्के से गीले कपड़े से साफ करके सुखा के उसे आप तल लें। आप चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं। सो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कटहल खरीदें। यहाँ पे कटहल को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम किया है जो कि मीडियम हॉट है, और आप एक टाइम पे कटहल के पीसेस को जितना फ्राई कर सकते हैं उतना कर लें। और इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पे करें, क्योंकि हम इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। इसे हमें सॉफ्ट एंड टेंडर होने तक कुक करना है। सो आप 70-80% इसे डीप फ्राई करके सॉफ्ट कर लें, और जैसे ही ये डीप फ्राई हो जाए आप इसका ऐसे इसे छान लें और बाकी कटहल को भी इस तरीके से आप फ्राई कर लें। अब एक्सेस ऑयल निकाल के तड़के के लिए तेल में डालें ज़ीरा, उसके साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसे भी आप कच्चापन दूर होने तक अच्छे से कुक कर लें, और फिर आप इसमें डाल दें प्याज। प्याज को मैंने दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है, बट आप चाहें तो बना सकते हैं। बस इस रेसिपी के लिए जो ये तड़का है, ये जितना आप अच्छे से भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। सो आप इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ करें तड़का लगाने के लिए, और प्याज को भी आप अच्छे से कुक कर लें। अब जो प्याज है वो काफ़ी अच्छे से भून चुका है, इसने अपना जो तेल है उसे भी अलग कर लिया है। अब प्याज भूनने के बाद अब आप इसमें डाल दें टमाटर, जिसे मैंने फिर से कोर्सली ग्राउंड किया है, मतलब दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। और टमेटोज को भी हम अच्छे से कुक करेंगे तेल अलग होने तक। सो आप इसे मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लें। सो हमारा मसाला भी अच्छे से अब कुक होके रेडी हो चुका है। अब हम लो फ्लेम पे इसमें डालेंगे मसाले, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी
देगी मिर्च। आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, इससे एक बहुत अच्छा कलर आता है। फिर मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। आप इसमें किचन किंग या फिर आप चिकन मसाला, मीट मसाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मसालेदार सब्जी है। इसे आप लो फ्लेम पे मिक्स कर लें। और फिर मैं इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि हमने 70-80% डीप फ्राई किया है कटहल, बाकी हम इसे मसालों के साथ कुक करेंगे। सो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें जितनी आपको ज़रूरत लगे, और इसे आप मसालों के साथ मिक्स कर लें। आप चाहें तो ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो पानी बहुत ज़्यादा ना डालें। फिर आप इसमें डाल दें सॉल्ट टू टेस्ट, और नमक को मिक्स करके आप इसमें हल्का सा बॉईल आने दें। जैसे ही इस मसाले में बॉईल आना शुरू हो जाए, आप लो फ्लेम पे इसमें डाल दें डीप फ्राई किया हुआ कटहल, और कटहल को आप मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे आप मिक्स करने के बाद इसे आप ढक के कुक करें कम से कम 20-25 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि जो कटहल है वो एकदम सॉफ्ट एंड टेंडर ना हो जाए। सो यहाँ पे कम से कम 25 मिनट के बाद हमारा कटहल बिल्कुल रेडी है। अब ये 100% सॉफ्ट हो चुका है। आप चाहें तो डीप फ्राई करते वक्त उसे पूरी तरह से भी आप सॉफ्ट होने तक कुक कर सकते हैं। सो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद, और एट द एंड इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, और हमारे कटहल की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके ये कटहल की सब्जी बनाएं और इंजॉय करें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और नई बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और उसके साथ साथ कुछ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।